हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज हम बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड एंड स्पायरो कंपाउंड्स। ठीक है कि बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं, कौन सा ऐसा सिस्टम होता है जिसको हम बाईसाइक्लो सिस्टम बोलते हैं, या स्पायरो सिस्टम क्या होता है, क्या दोनों में डिफरेंस होता है, और हम कैसे ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं देख करके कि अच्छा ये बाईसाइक्लो सिस्टम होता है और ये स्पायरो सिस्टम होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे हम इनका आईयूपीएसी नेम लिख सकते हैं, और इनका आईयूपीएसी नेम लिखना थोड़ा सा डिफरेंट क्यों होता है अदर कंपाउंड्स के कंपैरिजन में। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज आप अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाले लेक्चर्स के अपडेट मिस ना करो। ओके, स्टार्ट करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड एंड स्पायरो कंपाउंड। ठीक है, सो देखो बाईसाइक्लो कंपाउंड स्पायरो कंपाउंड दोनों ही सिमिलर होते हैं। ठीक है, देखो आपने साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ी होगी कि साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब एक साइकिल होती है तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, जब दो साइकिल्स आपस में अटैच हो जाती है, जब दो साइक्लिक रिंग आपस में अटैच हो जाती है तब हम उसको बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड, और तीन साइक्लिक रिंग अगर अटैच हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ट्राईसाइक्लो कंपाउंड्स। इतना लेवल का आपके सिलेबस में नहीं है, इवन स्पायरो कंपाउंड एंड जो बाईसाइक्लो कंपाउंड है वो भी जेई के अंदर या फिर नीट के अंदर इतना नहीं पूछा जाता, बट स्टिल चांसेस ये रहते हैं कि हाँ इस पे क्वेश्चंस आ सकता है, तो आप इसको एक एडिशनल टॉपिक को लेकर के आप समझ सकते हो। ठीक है, बट इतना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इतने आपको डिफिकल्ट स्पायरो कंपाउंड या फिर बाईसाइक्लो कंपाउंड या फिर ट्राईसाइक्लो कंपाउंड को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, आपको बस फॉर्मेट पता होना चाहिए कि हम कैसे लिखते हैं इन दोनों को, नोमेनक्लेचर कैसे लिखा जाता है, क्या दोनों में डिफरेंस होता है, बस वही चीज। ठीक है, चलो तो बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखो ये हमारे पास में एक साइक्लिक रिंग है। ठीक है, दिस इज सिक्स मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। ओके, अगर मैं इसके साथ में एक और साइक्लिक रिंग को अटैच कर देता हूं, ठीक है, तो दो साइक्लिक रिंग अलग अलग चीज जब हम दोनों को अटैच करेंगे तो इनके पास में दो कॉमन कार्बन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस पूरे सिस्टम में, इन दिस सिस्टम देर आर टू कॉमन कार्बन विच इज नोन एज ब्रिज हेड कार्बन। क्लियर, सो दिस इज नोन एज ब्रिज हेड कार्बन, this is also known as bridge head carbon, this is bridge head carbon, तो ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, bridge head carbon कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो ये सिस्टम होता है bicyclic compound, bicyclic compound में क्या होता है, जब दो रिंग आपस में कनेक्टेड हो जाती है और दो क्या होते हैं bridge head carbons होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं bicyclic compound। spiro compound में क्या होता है कि spiro compound में एक रिंग होती है, सपोज ये एक रिंग है, ठीक है, सपोज ये रिंग है, ये फोर मेंबर रिंग है, दिस इज फोर मेंबर साइक्लिक रिंग, और इसके साथ ही एक थ्री मेंबर रिंग अटैच हो जाए तब देखो जो कॉमन कार्बन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, तो इसके अंदर जो कॉमन कार्बन होता है, जो ब्रिज हेड कार्बन होता है, या फिर इसको हम कॉमन कार्बन ही बोल सकते हैं, ठीक है, ब्रिज हेड कार्बन वो इसमें कितना है, एक है, जबकि इसमें कितना है, दो है। क्लियर, अब देखो ये हमें पता चला कि स्पायरो कंपाउंड्स क्या होते हैं, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं, बाईसाइक्लो में दो कॉमन कार्बन होंगे और स्पायरो के अंदर एक कॉमन कार्बन होगा, तो इससे आप ये देख करके पता लगा सकते हो कि आपको जो दिया गया कंपाउंड है वो स्पायरो कंपाउंड या फिर बाईसाइक्लो कंपाउंड है। पहली चीज कि हमें आइडेंटिफिकेशन करना आ गया कि हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि जो कंपाउंड दिया गया वो स्पायरो या फिर बाईसाइक्लो। क्लियर, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें जो दोनों मेंबर रिंग होती है वो सेम मेंबर की होती है, ठीक है, जितने कार्बन इसमें होते हैं उतने इसमें होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। एक रिंग बड़ी हो सकती है, एक रिंग छोटी हो सकती है, दोनों ही रिंग सेम साइज की हो सकती है, ठीक है, इसमें भी ये हो सकता है, दोनों रिंग सेम साइज की हो सकती है, दोनों रिंग में से एक छोटी और एक बड़ी हो सकती है। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं नेमिंग की, इसकी बात करते हैं नेमिंग की, कि हम मेन मटेरियल वाला नेमिंग लिखना है, हमें आइडेंटिफिकेशन करना आगे, आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हमारा नेक्स्ट जो मोटिव होता है वो क्या होता है, नेमिंग करना, कि हमें नेमिंग कैसे करनी है वो हम देखते हैं। देखो नेमिंग के लिए इसमें लिखा जाता है स्पायरो, अगर कोई सब्स्टिट्यूट है तो इस स्पायरो, सॉरी बाईसाइकिल आएगा ना इसमें, बाईसाइकिल, ठीक है, अगर मान लो इस कंपाउंड में कोई सब्स्टिट्यूट आता है तो उसको हम इस बाईसाइकिलो के आगे लिखेंगे। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट का प्रीफिक्स, फिर बाईसाइकिलो, फिर हम यहां पे लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, ये ब्रैकेट आएगा, और इस ब्रैकेट में तीन क्या आएंगे, न्यूमेरल आएंगे, एक्स वाई और जेड। क्लियर, एक्स वाई और जेड, अब एक्स का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब क्या होता है, जेड का मतलब क्या होता है, ये हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, तो बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट इन एक्स वाई जेड, ठीक है, फिर हम लिखेंगे सफिक्स,
है, जिसमें आपका प्राइमरी सफिक्स भी आएगा और सेकेंडरी सफिक्स भी आएगा, ठीक है। प्रीफिक्स जो होगा वो आगे लगेगा, सफिक्स जो होगा पीछे लगेगा, क्लियर है। चलो अब सपोज करें कि इस कंपाउंड का हमें नाम लिखना है, ठीक है। इसका हम अगर आईयूपीएसी नेम लिखें तो कैसे आएगा, देखो ध्यान से देखना। इसमें दो क्या है, ब्रिज कार्बन है, ठीक है, ब्रिज हाइड कार्बन है, इनको बोलते हैं ब्रिज कार्बन, और ये होता है ब्रिज हाइड कार्बन, ठीक है। दिस इज ब्रिज कार्बन एंड दिस इज ब्रिज हाइड कार्बन, ठीक है। तो देखो ब्रिज हेड कार्बन को आपको काउंटिंग नहीं करनी, उसको काउंट नहीं करना, ठीक है। आपको काउंट क्या करना है, जो ब्रिज हेड कार्बन, सॉरी ब्रिज कार्बन से सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है ना। तो नंबरिंग का रूल चलता है लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, ठीक। अब देखो ये एक आपका सेंटर है, सपोज करो ये आपका एक सेंटर है और आप यहां पर क्या खड़े हो, खड़े हो, ठीक है, आप यहां पर खड़े हो। दूसरा क्या है आपका, ये सेंटर है और आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। सपोज करो आपका भी फ्रेंड यहाँ पे और आप यहाँ हो, या ऊपर आप हो या फिर हो, ना एक ही बात है। तो आपके पास में दो पोजीशंस हैं और दोनों पोजीशन पर एक आप खड़े हो और एक आपका फ्रेंड खड़े, ठीक। अब देखो अब क्या होगा, अभी तो दोनों जो साइकिल है वो सेम साइज की, ठीक है। तो अगर आप यहां से अगर राउंड निकालते हो या फिर इधर से राउंड निकालते हो, तो दोनों की पोजीशन जो होगी वो सेम आएगी, ठीक है, सेम नंबर होंगे। इसमें भी चार कार्बन होंगे और इसमें भी चार कार्बन होंगे। ब्रिज हेड कार्बन को काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो देखो इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4, इसमें भी कितने कार्बन, 1 2 3 4। लेकिन सपोज करो यहाँ पे 4 हो और यहाँ पे 3 हो, तब आपको नंबरिंग किस साइड की करनी है, लॉन्गेस्ट की करनी है। जिस साइड लॉन्गेस्ट चेन हो उसको पहले नंबरिंग देनी है, जिस साइड शॉर्टेस्ट चेन हो उसको नंबरिंग बाद में देनी है, ठीक है। तो देखो नंबरिंग करते हैं, 1, आप किधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, उधर से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्लियर। अब देखो तो हम लिखेंगे बाईसाइकिल को, बाईसाइकिल ध्यान से, फिर ब्रैकेट आएगा, फिर अब आएगा एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों जो चेन है वो सेम साइज की है, ठीक है। तो हम देखो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी और ये इधर की वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके अंदर टोटल कितने कार्बन, 1 2 3 4, ब्रिज हेड कार्बन को काउंट नहीं करना है। तो 1 2 3 4, तो कितना आ गया, 4 डॉट, इसमें भी कितने आएंगे, 4, तो 4 डॉट 4। अब देखो जेड का मतलब होता है दो ब्रिज हेड कार्बन के बीच में कितने कार्बन है, दो ब्रिज हेड कार्बन के बीच में कितने कार्बन, ये ब्रिज हेड कार्बन, ये भी ब्रिज हेड कार्बन, और इनके बीच में कोई भी कार्बन नहीं है या कोई भी एटम नहीं है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0। अगर सपोज करो यहां पे होता एक कार्बन होता तो हम यहां पे क्या लिखते, 1, ठीक है, जबकि यहां पे नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो बाईसाइक्लो 4.4.0, फिर सफिक्स क्या आएगा, इसके टोटल कितने कार्बन है, 10, तो ये आ जाएगा डेकेन, डेक और एल्केन है तो क्या लिखेंगे, एल्केन, ठीक है। तो डेकेन ये इसका आईपीसी नहीं हो जाएगा, सिंपल है। चलो स्पायरो का साथ साथ देख लेते हैं। देखो अब स्पायरो का अगर थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का सही है, इसमें हम देखो लॉन्गेस्ट टू क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट करते हैं, यानी लॉन्गेस्ट सबसे पहले लिखते हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे उसका हम पहले नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद में जो शॉर्टेस्ट होता है उसको लिखेंगे। जबकि इसमें क्या होता है, इसमें हमें चलना होता है स्मॉलेस्ट टू, स्मॉलेस्ट टू लॉन्गेस्ट, है ना, स्मॉलेस्ट टू लॉन्गेस्ट चलना होता है, क्लियर है। सपोज अब देखो इसमें नाम क्या लिखना होता है, स्पायरो, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा हुआ है तो आगे आगे हम क्या लगाएंगे, उसका प्रीफिक्स लगाएंगे, बट यहां पे कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, सीधा डायरेक्ट स्पायरो, फिर हम लिखेंगे ब्रैकेट, क्लियर। अब देखो अब इसमें स्मॉलेस्ट टू लॉन्गेस्ट चलना है। देखो अब इसमें जेड की वैल्यू जो होगी वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि जेड की वैल्यू तब आती है जब दो क्या हो, ब्रिज हेड कार्बन हो और दो ब्रिज हेड कार्बन के बीच में कोई दूसरा एटम हो या फिर कार्बन हो, ठीक है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें हम लिखेंगे पहले शॉर्टेस्ट वाले, ठीक है। अब देखो इसमें अगर आपको नंबरिंग करनी है तो कैसे करोगे, पहले आपको स्मॉल रिंग को नंबर देना है, उसके बाद में लार्ज रिंग को देना है। तो देखो 1 2 सॉरी, ये स्मॉल रिंग है तो यहां से करेंगे 1, आप किधर से भी कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर सब्स्टिट्यूट होता है तो उसकी प्रायोरिटी के बेसिस पर हम नंबरिंग करेंगे, वो आपको रूल पता है, 1 2, फिर आएगा 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। अब देखो जो शॉर्टेस्ट रिंग है, जो स्मॉलेस्ट रिंग है, उसके अंदर टोटल कितने कार्बन है, 1 और 2, ठीक, ब्रिज हेड कार्बन को काउंट नहीं करेंगे तो 2 2 डॉट। अब जो लार्जेस्ट रिंग है, जो लार्ज रिंग है, उसके अंदर टोटल कितने कार्बन है, 1 2 और 3,
तो 2.3 लिखेंगे, ठीक है। तो स्पायरो 2.3, अब जेड की वैल्यू तो नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रेसेट कार्बन है। तो स्पायरो 2.3, फिर हम इसको क्या लिखेंगे, टोटल कितने कार्बन, 6 कार्बन, तो हम लिखेंगे हेक्सेन, ठीक है। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए हम एल्केन यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा स्पायरो 2.3 हेक्सेन, ठीक है। तो ये इस टाइप से हम स्पायरो का नाम लिख सकते हैं और इस तरीके से हम बाईसाइक्लो का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। एक ट्रिक है जो कि आपको थोड़ी सी हेल्प करेगी, ठीक है, ज्यादा कोई एडवांस ट्रिक तो नहीं है, बट फिर भी स्टिल हेल्प करेगी आपको। देखो, बाईसाइक्लो के अंदर आपको ऑर्डर फॉलो करना है। बाईसाइक्लो में आपको क्या करना है, ऑर्डर फॉलो करना है। देखो, बिग टू स्मॉल, ठीक है, बिग टू स्मॉल, तो बाईसाइक्लो और बिग, यानी आपको ऑर्डर क्या करना है, BBS, ठीक है। और स्पायरो में क्या करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, या फिर बिगेस्ट कर सकते हैं ना, बिग, तो ये हो जाएगा SSB, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, BBS, BBS का उल्टा करोगे तो स्पायरो का हो जाएगा, और BBS किसका होगा, बाईसाइक्लो का। तो बाईसाइक्लो यानी BBS, बाईसाइक्लो बिग टू स्मॉल, स्पायरो स्मॉल टू बिग, क्लियर है। इससे आपको इजीली याद रहेगा, बाई चांस आप भूल जाते हो कभी भी, ठीक है, आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद नहीं रहता है, क्योंकि कभी कभी मैक्सिमम चांसेस में हम बाईसाइक्लो के रूल स्पायरो में अप्लाई कर देते हैं, या फिर स्पायरो के रूल बाईसाइक्लो में अप्लाई कर देते हैं। तो ये ट्रिक आपको हेल्प करेगी, आपको क्या याद रखना है, BBS यानी बाईसाइक्लो बिग टू स्मॉल, SSB स्पायरो स्मॉल टू बिग, ठीक है। अब इसको कॉपी करो, फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप इजीली क्या कर सको, एक एक कंपाउंड का नाम लिख सको। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो आप एग्जांपल्स करते हैं, टोटल 8 एग्जांपल्स आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं। आप चाहो तो खुद से करना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके 8 के 8 कंपाउंड का आईपीसी नेम लिख करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड स्टार्ट करते हैं, अगर आप लोगों ने पॉज करके कर लिया है तो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमारे पास में आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, बाईसाइकिल है या फिर स्पायरो है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट इज बाईसाइकिल कंपाउंड, बाईसाइकिल कंपाउंड है, ये दोनों क्या है, ब्रिज हेड कार्बन है, ठीक है, ये दोनों क्या है, ब्रिज हेड कार्बन। अब आपको नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग कैसे करोगे, नंबरिंग करनी है आपको, हमेशा ध्यान रखना बाईसाइक्लो में जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वो ब्रिज हेड कार्बन से होती है, ठीक है। बाईसाइक्लो में नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम, इन बाईसाइक्लो कंपाउंड नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। जबकि स्पायरो कंपाउंड में आप नंबरिंग स्टार्ट करते हो स्मॉलेस्ट रिंग से, ठीक है, इन स्पायरो कंपाउंड द नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलेस्ट रिंग कार्बन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आप ध्यान रखना। तो देखो, ये ब्रिज हेड कार्बन है तो इसकी नंबरिंग करेंगे। अब हमें ब्रिज हेड कार्बन से नंबरिंग करी, देन उसके बाद में हमें जाना कैसे है, BBS बाईसाइक्लो बिग टू स्मॉल, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, क्लियर, ठीक है। अब देखो, हम क्या लिखेंगे, कोई फंक्शन, कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे सीधा डायरेक्ट, बाईसाइक्लो बाईसाइक्लो स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो 2 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2. अब देखो 1, ठीक है, स्मॉल रिंग में सिर्फ वन ही है, तो 1.0, तो 2.1.0 बाईसाइक्लो 2.1.0, टोटल कितने कार्बन, 5 कार्बन, तो ये आ जाएगा पेंटेन। तो ये इसका ही कुछ नहीं हो जाएगा, जिस जिसका सही है वो नीचे कमेंट में करके बताएं जरूर। अब देखो एग्जांपल नंबर सेकंड, दिस इज आल्सो अ बाईसाइक्लो कंपाउंड, तो दिस इज ब्रिज हेड कार्बन, दिस इज ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। दिस इज लॉन्गेस्ट चेन एंड दिस इज शॉर्टेस्ट चेन, इसमें टोटल कितने कार्बन है, देखो 4 कार्बन, जबकि इसमें 1 2 3 आ रहा है, ठीक है। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, आपके पास में दो पॉसिबिलिटीज है नंबरिंग करने की, एक तो आप इधर से कर सकते हो, एक आप इधर से कर सकते हो, ठीक है। आप किधर से भी करो नंबरिंग, अपन स्टार्ट करते हैं यहां से, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो, आप ऐसा नहीं करोगे कि यहां पे क्लोरीन नजदीक पड़ रहा है तो हम यहां से नंबरिंग करते, 1 2, रूल ब्रेक नहीं करना है। रूल क्या है, बाईसाइक्लो बिग टू स्मॉल, ठीक है, तो बाईसाइक्लो बिग टू स्मॉल, तो बिग ये है स्मॉल ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम इधर से भी नंबरिंग करके देखते हैं क्या चेंजेज आते हैं या नहीं आते। नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सेम पोजीशन पे है, तो आप किधर से भी नंबरिंग करो, चाहे ऊपर से करो या फिर नीचे से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, उसके नाम पे। तो हम इधर से ही करते हैं, तो देखो 8 पे क्या आ रहा है, 8 क्लोरो, पहले हम लिखेंगे 8 क्लोरो, देन उसके बाद में हम लिखेंगे बाईसाइक्लो, देन हम क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, 8 क्लोरो बाईसाइक्लो, देन उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, हाँ ब्रेकेट लगाएंगे, और ब्रेकेट में हम क्या लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे बिग साइज के रिंग को लिखेंगे,
इसमें फोर कार्बन है, इसमें कितने हैं, वन टू थ्री, और ब्रिजेड कार्बन के बीच में कोई भी कार्बन नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे जीरो। तो 4.3.0, फिर क्या आ जाएगा, टोटल सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, टोटल कार्बन 8, तो ये क्या आ जाएगा, ऑक्टेन। इजी है। चलो एग्जाम्पल नंबर थ्री देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर थ्री आपको करना है, इसमें देखो एक दो रिंग है, एक तो ये रिंग है और दूसरी क्या है, ये रिंग है। ठीक है, क्लियर विजुअल हो रहा है आपको? ठीक है, यू कैन विजुअलाइज दिस, देयर इज टू रिंग, फर्स्ट इज दिस एंड द सेकेंड इज दिस। ठीक, सबसे पहले आपको ब्रिजेड कार्बन का देखने, कौन कौन सा, ये ब्रिजेड कार्बन, ये ब्रिजेड कार्बन। ठीक, ब्रिजेड कार्बन से आपको नंबरिंग करनी है, तो ब्रिजेड कार्बन ये रहा वन। अब देखो इधर भी दो कार्बन है और इधर भी दो कार्बन है, ठीक है, तो आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते हो, आप इसको भी दे सकते हो नंबरिंग, इसको भी दे सकते हो। तो हम क्या करते हैं, यहां देते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और ये क्या हो गया, सेवन। क्लियर, टोटल सात कार्बन। अब देखो वन पे क्या रहा है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, वन मिथाइल, फिर हम क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, फिर हम ब्रैकेट यूज करेंगे। अब देखो यहां पे कितने कार्बन, इस रिंग में दो कार्बन, तो हम लिखेंगे टू, फिर हम डॉट लगाएंगे, फिर यहां पे क्या लिखेंगे, टू, क्योंकि यहां पे भी दो कार्बन है, टू। फिर देखो दो ब्रिजेड कार्बन के बीच में एक कार्बन है, जबकि इन दोनों एग्जांपल्स में नहीं थे, फिर इसलिए हमने यहाँ पे जीरो लिखा, यहाँ पे जीरो लिखा, लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे वन आएगा, तो 2.2.1, फिर टोटल कार्बन सात, तो ये हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, अब देखो अब आपके पास नहीं है, इसमें आपको ब्रिजेड कार्बन काउंट करना, देखना है कहाँ कहाँ है ये ब्रिजेड कार्बन, ये ब्रिजेड कार्बन। ठीक है, अब आपको नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग कैसे करोगे, और देखो ब्रिजेड कार्बन के पास में दो कार्बन है, ठीक है, तो देखो इधर भी दो कार्बन और इधर भी दो कार्बन, किधर से भी नंबरिंग करो, तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और ये एट, टोटल एट कार्बन। तो हम क्या लिखेंगे, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, फिर ये क्या हो जाएगा आपका, ब्रेकेट, फिर ये आ जाएगा 2.2.2, 2.2.2। ठीक है, फिर ये आपका आ जाएगा टोटल आठ कार्बन, तो ये हो जाएगा ऑक्टेन। क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। इजीली समझ में आ रहा है? चलो एग्जाम्पल नंबर फाइव देखो, एग्जाम्पल नंबर फाइव में देखो आप कि ये ब्रिजेड कार्बन है, ठीक है, ये ब्रिजेड कार्बन है और ये ब्रिजेड कार्बन के बीच का एक कार्बन है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, दोनों साइड सेम सेम नंबर ऑफ कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, फिर ब्रैकेट यूज करेंगे, फिर देखो 2.2.1, 2.2.1, फिर आ जाएगा टोटल सात कार्बन, 18। ठीक है, तो ये हमने बाईस साइकिल को कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास में आता है स्पायरो कंपाउंड। ठीक, स्पायरो कंपाउंड में देखो आप, ये आपका कॉमन कार्बन होगा, ठीक है, ये आपका क्या होगा, कॉमन कार्बन। अब देखो दोनों में क्या है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, दोनों जो रिंग दे रखी है आपको, ये भी थ्री मेंबर की है, ये भी थ्री मेंबर की है, ठीक है, तो इधर भी दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन, ठीक है, एक कार्बन कॉमन के अंदर काउंट हो गया। तो वैसे तो रूल क्या होता है स्पायरो का, स्पायरो का रूल होता है एस एस बी, स्पायरो स्मॉल टू बिग, जबकि यहाँ पे दोनों सेम है, तो है ना, तो अपन किधर से भी कर सकते हैं। अब देखो आप इसको भी वन नंबर दे सकते हो और इसको भी वन नंबर दे सकते हो, ठीक है, आप पर डिपेंड करता है आप किसको दे दो, अपन इसको देते हैं वन नंबर। इसको अपन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जो नंबरिंग होती है स्पायरो के अंदर वो कहां से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है जो स्मॉलेस्ट रिंग होती है उससे, ठीक है, जबकि दोनों का साइज सेम है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इधर से दे रहे हैं, आप चाहो तो इधर से भी दे सकते हो, तो वन फिर टू फिर थ्री। ठीक है, अब देखो आप प्रायोरिटी यहां पर जाएगी, ठीक है, अब आप इधर नहीं जाओगे, क्यों, क्योंकि इधर सब्स्टिट्यूट ग्रुप है, इधर क्या है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप, तो हम इसको प्रायोरिटी देंगे, थ्री फोर फाइव और ये सिक्स। क्लियर, इसका क्या आएगा, देखो 1.4 1.4 डाई क्लोरो, फिर ये आपका आ जाएगा स्पायरो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, देखो 2.2, ठीक है, फिर ये आपका आ जाएगा टोटल हेप्टीन, सॉरी हेक्सेन, छह कार्बन है ना, तो ये क्या आएगा, हेक्सेन। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास में एग्जांपल नंबर सेवन है, एग्जांपल नंबर सेवन में ये फाइव मेंबर देंगे और ये फोर मेंबर देंगे, ठीक है, जबकि एक कार्बन जो होगा वो कॉमनली आ जाएगा ब्रिजेड कार्बन में, तो इसमें टोटल चार कार्बन, इसमें टोटल तीन कार्बन। ठीक है, नंबरिंग किधर से करेंगे, एस एस बी, एस एस बी, एस एस बी का मतलब क्या होता है, स्मॉल स्पायरो स्मॉल टू बिग, ठीक है, स्पायरो स्मॉल टू बिग, तो स्पायरो यहां से स्मॉल, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट।
क्लियर। अब देखो इसका हम क्या नाम लिखेंगे, स्पायरो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर हम क्या लिखेंगे, फोर, फोर नहीं लिखेंगे पहले, थ्री लिखेंगे ना, 1 2 3 डॉट 4, फिर आपका आ जाएगा टोटल 14। ठीक है, इजी है, क्योंकि स्पायरो के अंदर क्या होता है, स्मॉल टू बिग होता है ना, तो स्मॉल पहले लिखेंगे फिर बिग को बाद में लिखेंगे। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है, ये कंपाउंड स्पायरो कंपाउंड है या फिर बाईसाइक्लो कंपाउंड है? ये कंपाउंड ना ही स्पायरो कंपाउंड है और ना ही बाईसाइक्लो कंपाउंड है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो ये जो रिंग है और ये जो रिंग है, ये जो 6 मेंबर रिंग है और ये 5 मेंबर रिंग जो है, वो दोनों आपस में एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ठीक है, यानी दोनों में कोई भी कॉमन कार्बन नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेटेड है बाय द सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम जो बड़ी रिंग है उसको मेन चेन मानेंगे और जो छोटी रिंग है उसको हम सब्स्टिट्यूट के रूप में काउंट करेंगे। तो देखो नंबरिंग करेंगे, ये हमारी मेन चेन होगी, नंबरिंग करेंगे 1 2, सॉरी यहां से करेंगे। अब देखो ये भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप, ये भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप। ठीक है, तो ये इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो इसको हम पहले देंगे 1 2 3 4 5 और ये 6, तो हम क्या लिखेंगे, 1 साइक्लो 1 साइक्लो पेंटाइल, फिर क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल 1 साइक्लो पेंटाइल 3 मिथाइल, फिर ये क्या हो जाएगा आपका, साइक्लो हेक्सेन, क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। तो ये साइक्लिक कंपाउंड है ना कि बाईसाइक्लो कंपाउंड या फिर स्पायरो कंपाउंड है। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों टाइप के अंदर एग्जांपल दे दिया और तीनों में डिफरेंस करना बता दिया, आइडेंटिफाई करना बता दिया कि आप कैसे स्पायरो को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कैसे बाईसाइक्लो को आइडेंटिफाई कर सकते हो और कैसे साइक्लो कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए एंड आपको एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेगा। ठीक है, उसको आपको करना है एंड इसका जो सॉल्यूशन होगा वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको दिया जाएगा। ठीक है, एंड जल्दी से जल्दी आप करके उसको इसमें कमेंट भी कर सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो दो एग्जांपल्स आपके लिए होमवर्क में है, ये आपको होमवर्क में करके आना है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए HW, तो ये आपको होमवर्क है, आपको ये करना है। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करनी है और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके अंदर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और अपने नए लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिकली आईयूपीएससी ऑफ जो नॉन लेक्चर है, आईयूपीएससी नॉन लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक वीडियो बनाना बाकी है, एक वीडियो लेक्चर बाकी है, जिसमें जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल्स होते हैं, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं नीट के लिए या फिर जेई की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, जेई के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो कि उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ एक लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करें, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं एंड जितने ज्यादा इस वीडियो पर लाइक आएंगे मैं उतनी ही जल्दी उस वीडियो को बनाऊंगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा आइसोमेरिज्म का। किस पर रहेगा? आइसोमेरिज्म पर। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म जो है, आइसोमेरिज्म मैंने स्टार्ट करी है, इसका लेक्चर नंबर 1 भी मिलेगा आपको, लेक्चर नंबर 2 भी मिलेगा। ठीक है, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, क्या दिया है, इंट्रोडक्शन, एंड द सेकंड में हमने बोला है कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है एंड पोजीशन क्या होती है। ठीक है, तो आप इन दोनों को देख सकते हो, ये दोनों लेक्चर आपको अवेलेबल होंगे प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आप जाकर के चेक कर सकते हो नीचे। ओके, तो आपको ये दो लेक्चर कंप्लीटली मिलेंगे, देन उसके बाद में हमारा जो लेक्चर नंबर 3 आएगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हमारा लेक्चर नंबर अब जो आएगा वो लेक्चर नंबर 3 होगा। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो मैं सीधा डायरेक्ट स्टार्ट करूंगा लेक्चर नंबर 3 से, जिसमें हम स्टडी करेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के बारे में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड मेक श्योर प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने चैनल पर, ताकि आने वाले वीडियो जितने भी होंगे उनका आपको नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए और आप अपनी क्लास को अटेंड कर सको। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।